प्रदेश के हजारों पॉलिटेक्निक कॉलेज का भविष्य हो सकता है खराब। छात्र कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। धरने में लखनऊ तथा आसपास के कई पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा छात्र और छात्राएं भी हुए शामिल। पीडब्ल्यूडी लखनऊ कार्यालय पर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा छात्रों का हजारों की संख्या में अन्याय के खिलाफ धरना प्रदर्शन। उन्होंने बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2847 पदों पर अवर अभियंता की भर्ती का विज्ञापन निकाला है। आपको बता दें कि जिसमें अर्हता के बदलाव के लिए कुछ बीटेक डिग्रीधारी संगठन कोचिंग संस्थानों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसके विरोध में डिप्लोमा अभ्यर्थी उतर आए हैं। कल 15 मार्च को राजधानी लखनऊ में पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर डिप्लोमा जेई अभ्यर्थियों के द्वारा संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में जूनियर इंजीनियर पद के लिए अनिवार्य अर्हता इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, लेकिन कुछ संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भर्ती में बीटेक डिग्रीधारी को भी शामिल किया जाए। वहीं अभ्यर्थियों ने बताया कि पूर्व में भी लगातार ऐसी कोशिशें विभिन्न संगठनों के माध्यम से की जा चुकी हैं। इसी वजह से भर्तियों को पूरा होने में समय लगता है। इस विषय में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट की ट्रिपल बेंच ने भी रिट संख्या 24273 ऑफ 2018 में भी ये आदेश किया जा चुका है कि जूनियर इंजीनियर पद के लिए बीटेक डिग्री अयोग्य है तथा बीटेक और डिप्लोमा दोनों की भिन्न भिन्न योग्यताएं हैं, जिनको अपने पाठ्यक्रम के आधार पर विभेदित किया गया है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय के ट्रिपल बेंच के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि सिर्फ इस आधार पर कि आप उच्च योग्यता रखते हैं, जूनियर इंजीनियर की भर्ती के लिए अहार्य नहीं है। वहीं माननीय उच्च न्यायालय ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जरूरत के हिसाब से सरकार को पद की योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है। साथ ही डिप्लोमा अभ्यर्थियों ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि अगर बीटेक को जूनियर इंजीनियर पद के लिए अर्हता प्रदान कर दी गई तो लाखों डिप्लोमा अभ्यर्थियों का सरकारी नौकरी का अवसर समाप्त हो जाएगा, जिससे मध्यम देहड़ी मजदूरी करने वाले किसान के बच्चे जेई बनने का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे, उन्हें दिक्कतें आएंगी। आपको बताते चले कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 154 सरकारी, 19 अनुदानित तथा 1294 निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित है, जिसमें हर साल मध्यम और गरीब वर्ग के लाखों छात्र विभिन्न ट्रेंड में डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। बिना डिप्लोमा के जूनियर इंजीनियर पद किसी अन्य योग्यता को भी अहार्य करने से इन सभी संस्थाओं का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, जिससे ये सभी संस्थान बंद होने की कगार पर आ जाएंगे, क्योंकि डिप्लोमा बीटेक या किसी अन्य डिग्री के समकक्ष नहीं होता है। इसलिए डिप्लोमा अभ्यर्थी केवल जूनियर इंजीनियर पद की ही योग्यता रखते हैं, जबकि बीटेक अभ्यर्थियों को सभी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में प्रवेश प्राप्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र प्रभात, लखनऊ। हमारे लोग खड़े हैं, खड़े जा रहे गंदी भैया, जा जाओ गंदी भाई, निकलवा भैया भैया, ये बैनर वा टाइट करो तुम लोग, भैया 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 बोलना नहीं है, बस देखना है,